हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नितेश। गाइस, आज की स्टूडियो में आपसे बात करने वाला हूं ICITSS के बारे में, विच इज इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। इसका पुराना स्ट्रक्चर क्या था, इसका नया स्ट्रक्चर अब क्या हो गया है, जो CA के पुराने स्टूडेंट्स होते हैं उनको ट्रांसफर का जो केस है वो किस तरीके से इसमें स्विच कर सकते हैं, स्विच करने के बाद कितना कोर्स करना होगा और इसमें लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह क्या है, गाइस इन सारे टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में आपके साथ कवर करने वाला हूं। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले बात करते हैं गाइस ICITSS के न्यू स्ट्रक्चर के बारे में। ICITSS हैज बीन इंट्रोड्यूस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू CA सिलेबस। जो CA कोर्स का न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया था इन 2017, उसी के साथ में यहाँ पे ICITSS का कॉन्सेप्ट डाला गया। उसके पहले भी था लेकिन वो उनके नाम दूसरे थे। न्यू सिलेबस के साथ गाइस जब ICITSS इंट्रोड्यूस किया गया तो उसको दो लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया है। पहला लेवल तो होता है कि आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के पहले करना होता है और दूसरा लेवल होता है फाइनल के एग्जाम्स अपीयर करने के पहले पहले तक आपको करना होता है। गाइस, जो पहला लेवल होता है उसे बोलते हैं ICITSS और ये आपको कंप्लीट करना होता है बिफोर ज्वाइनिंग टू द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी कि आपके आर्टिकलशिप स्टार्ट होने के पहले पहले तक आपको ICITSS करना होता है। दिस ICITSS हैज बीन फर्दर बाइफर्केटेड इनटू टू पार्ट्स। उनमें से पहला होता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम या ओरिएंटेशन कोर्स भी बोलते हैं इसे। तो ये दोनों चीज आपको कंप्लीट करनी होती है बिफोर ज्वाइनिंग फॉर द आर्टिकलशिप। एक चीज गाइस मैं यहाँ पे आपको और कंफर्म कर दूं, आप चाहे CPT रूट के स्टूडेंट हो या फिर आप डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट हो, दोनों ही केस में आपको इसी तरीके से ICITSS कंप्लीट करना होगा बिफोर ज्वाइनिंग टू द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ओके, अब बात करते हैं गाइस दूसरे लेवल की। दूसरा जो लेवल होता है गाइस उसे बोलते हैं एडवांस ICITSS और ये आपको कंप्लीट करना होता है बिफोर अपियरिंग फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, यानी कि आपके जो CA फाइनल एग्जामिनेशन हैं उनको अपियर करने के पहले पहले तक आपको एडवांस ICITSS कंप्लीट करना होता है। नाउ अगेन, दिस एडवांस ITSS हैज बीन फर्दर बाइफर्केटेड इनटू टू पार्ट्स। उनमें से पहला पार्ट है एडवांस IT और दूसरा पार्ट है MCS। इन दोनों पार्ट्स को आपको कंप्लीट करना होता है बिफोर अपियरिंग फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। गाइज, ये तो बात हुई ICITSS की, जो कि न्यू कोर्स के इंट्रोडक्शन के साथ साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। अब चलिए बात करते हैं गाइज कि पुराने सिलेबस में क्या चीज इंस्टीट्यूट करवाता था ICITSS की जगह पे। गाइज, IPC के लेवल पे आपको पहले भी, यानी कि बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ ICITSS, आपको पहले भी IT और ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंप्लीट करना होता था बिफोर ज्वाइनिंग फॉर द आर्टिकलशिप। लेकिन ओल्ड सिलेबस में गाइज फाइनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया था। फाइनल स्टूडेंट्स के लिए गाइज वहां पे पहले कॉन्सेप्ट हुआ करता था GMCS 1 एंड GMCS 2 का। पहले वहां पे GMCS आपको दो लेवल पे करना होता था। GMCS 1 आपको कंप्लीट करना होता था ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप और GMCS 2 आपको कंप्लीट करना होता था एट एनी टाइम बट बिफोर अप्लाइंग फॉर द मेंबरशिप। यानी कि गाइज आप पहले GMCS 1 कंप्लीट कर लीजिए, GMCS 1 कंप्लीट करने के बाद आप कभी भी GMCS 2 कर सकते हैं, लेकिन आपको मेंबरशिप अप्लाई करने के पहले पहले तक GMCS 2 कंप्लीट करना होगा। खास बात यहाँ पे ये है गाइस कि जो पुराने कोर्स में, पुराने सिलेबस में आपको GMCS 2 करना होता था, उसका फाइनल के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता था। आप एग्जाम में अपीयर करने के बाद भी GMCS 2 कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन न्यू कोर्स में ऐसा नहीं है। आपको न्यू कोर्स में एडवांस ICITSS बिफोर अपियरिंग फॉर फाइनल एग्जामिनेशन उसके पहले पहले तक कंप्लीट करना होता है। अब बात करते हैं गाइस उन स्टूडेंट्स की जिनका ट्रांसफर का केस है, यानी कि जो पहले ओल्ड सिलेबस में रजिस्टर्ड थे और उनको बाद में न्यू सिलेबस में उन्हें ऑप्ट करना पड़ा या फिर मैंडेटरली उन्हें स्विच करना पड़ रहा है अब न्यू कोर्स में, तो उनके लिए यहाँ पे क्या कंप्लीशन क्राइटेरिया वगैरह होगा इसके बारे में बात करते हैं। ट्रांसफर के केस में गाइज आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी है, दैट यू हैव टू कंप्लीट ओनली बैलेंस पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। यानी कि अगर आपने सपोज करिए आपने IT अपनी पहले कंप्लीट कर रखी है, तो आपको न्यू कोर्स में स्विच करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हैं और आपने पुराने कोर्स में GMCS कर रखा है, तो आपको न्यू कोर्स में स्विच होने के बाद सिर्फ एडवांस IT करना होगा। ऑन दी कॉन्ट्रारी, अगर आपने सिर्फ एडवांस IT पुराने कोर्स में कर रखी है, तो आपको न्यू कोर्स में स्विच होने के बाद सिर्फ MCS करना होगा। अब यहाँ पे गाइज मैं एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन लेना चाहूंगा, जो कि पुराने फाइनल स्टूडेंट्स का है। पुराने फाइनल स्टूडेंट्स जो हैं गाइस, उनकी एक बहुत ही कॉमन क्वेरी ये आ रही है कि उन्होंने GMCS 1 कंप्लीट कर रखा है पहले, लेकिन उन्होंने GMCS 2 नहीं करा हुआ है और एडवांस IT उन पे एप्लीकेबल नहीं होता,
बिकॉज उन्होंने फरवरी 2013 के पहले पहले अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर रखी है, बिकॉज एडवांस आईटी उनके लिए एग्जेम्प्ट होता है। अगर किसी स्टूडेंट ने फरवरी 2013 के पहले पहले तक आर्टिकलशिप स्टार्ट कर ली है तो उन्हें एडवांस आईटी करनी ही नहीं होती, उनके लिए टोटली एग्जेम्प्ट होता है। तो अगर आपका ऐसा कोई केस है जिसमें आपने जीएमसीएस 1 कर रखी है, जीएमसीएस 2 करना आपका बाकी है और आप पे एडवांस आईटी एप्लीकेबल नहीं होता या एग्जेम्प्ट है, तो इस केस में आपको न्यू सिलेबस में आने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीएस करना होगा। आपका जो एडवांस आईटी एग्जेम्प्ट है वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि एडवांस आईटी आपका बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है तो आपको अब करना होगा, ऐसा नहीं है। एडवांस आईटी जो आपका पहले एग्जेम्प्ट था वो अभी भी एग्जेम्प्ट रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीएस करना होगा। इसके अलावा गाइस अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके जरूर पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं गाइस जो लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है आईसीआईटी एसएस में उसके बारे में। अभी आपने कुछ दिनों पहले एक अनाउंसमेंट देखी होगी आईसीआई की, जिसमें आईसीआईटी एसएस को वर्चुअल मोड में करना अलाउड कर दिया गया है। इसको लेकर के भी बहुत सारी क्वेरी आ रही है आपकी, तो यहाँ पे मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है गाइस कि ये जो वर्चुअल एडवांस आईसीआईटी एसएस करवाया जा रहा है दैट इज ओनली वन टाइम मेजर। वन टाइम मेजर का मतलब ये होता है गाइस कि इस चीज को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंट्रोड्यूस करा गया है और उस पीरियड के एक्सपायर होने के बाद इस चीज को वापस से खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि ये फैसिलिटी आपके लिए नहीं बचेगी। तो ये चीज एक वन टाइम मेजर है और ये एप्लीकेबल है सिर्फ 4 अटेम्प्ट्स के लिए और सिर्फ फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि क्या अगर उनकी आईटी या ओपी करना बाकी है तो क्या वो आईसीआईटी एसएस वर्चुअल मोड में कंप्लीट कर सकते हैं। अभी तक फिलहाल ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई हुई है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्टूडेंट्स और वो भी सिर्फ 4 अटेम्प्ट्स के, यानी कि जो मई 19 में जो क्वालिफाइड हो चुके हैं, मई 19, नवंबर 19 और जुलाई 20 जो अभी एग्जाम होने वाले हैं और नवंबर 20, सिर्फ इन 4 अटेम्प्ट्स के जो फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे वर्चुअल मोड में एडवांस आईसीआईटी एसएस करना अलाउ कर दिया गया है। तो यानी कि गाइस अगर आप फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स हैं और आपने 4 अटेम्प्ट्स के बीच में आपने एग्जाम दिया है या देने वाले हैं तभी जाकर के आप वर्चुअल मोड में एडवांस आईसीआईटी एसएस कंप्लीट कर सकते हैं अपना। तो गाइस ये रही मेरी आज की वीडियो आईसीआईटी एसएस के बारे में। आईसीआईटी एसएस के रिगार्डिंग गाइस जितने क्वेरीज वगैरह मेरे पास अभी तक आए थे और जितने पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते थे मैंने उन सबको यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। आपका जो पुराना स्ट्रक्चर था, न्यू स्ट्रक्चर है, इन सब चीजों को मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की गाइस। आई होप गाइस ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है गाइस तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। जिन किसी भी फ्रेंड्स को आईसीआईटी एसएस के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। और गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच गाइज़।